हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस लाते रहें। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं अम्ब्रेला कुर्ती। इसकी हमें बहुत ही रिक्वेस्ट आई थी, तो हम हमारे व्यूवर्स के रिक्वेस्ट पे आज बनाने वाले हैं एकदम सिंपल तरीके से अम्ब्रेला कुर्ती। इसे बनाने के लिए ये जो मैंने कपड़ा लिया है वो 3 मीटर है। आप कपड़ा अपनी साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। उसके लिए मैंने सिर्फ ये डबल फोल्ड किया हुआ है। लेंथ मुझे 14 इंच की चाहिए, इसलिए मैंने ये 14 इंच का फोल्ड किया हुआ है। अब मैं इसे वापस एक फोल्ड करूँगी। मैंने पहले 2 फोल्ड किया था, अब एक और फोल्ड, मेरा 4 फोल्ड हो गया है। ये ध्यान रखिए मैंने 14 ही लिया है, क्योंकि मुझे टॉप पार्ट की लेंथ 14 ही चाहिए, तो मैंने बस उतना ही फोल्ड किया हुआ है। तो चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंचेस का, आर्म होल भी लूंगी मैं 7 इंचेस। चलिए अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। अब हम चेस्ट का पार्ट लेंगे। यहां से मैं यहां ले रही हूं 11 इंचेस। आपका जितना भी चेस्ट का पार्ट हो आपको डिवाइड बाय 4 करना है, प्लस 2 इंच ऐड कीजिए स्विंग अलाउंस के लिए। तो यहां पे मैंने 11 इंचेस लिया हुआ है। अब जैसे मैंने बताया आपको, मैंने लेंथ 14 इंचेस ली है, ये मेरी लेंथ स्विंग अलाउंस को मिला के है। तो जहाँ पे मैंने लेंथ ली है वहाँ पे मैं लूँगी 10 इंचेस का, 1 इंच कम होगा चेस्ट के पार्ट से। अब इन दोनों को जॉइंट करते हुए लाइन ड्रॉ करूँगी। तो देखिए ये हमारी बेसिक मार्किंग हुई। चलिए अब आर्म होल बना लेते हैं। तो ये मेरा 7 इंचेस है, उसका हाफ होता है 3.5। तो जहाँ पर 3.5 है वहाँ से मेरा कर्व शुरू होगा। तो ये मैंने कर्व बना दिया है, 2 कर्व बना रहे हैं आधे इंच के डिफरेंस में, एक फ्रंट का और एक बैक का। चलिए अब नेक बनाते हैं। नेक की ब्रॉडनेस मैं लूंगी 4 इंचेस की और लेंथ लूंगी 2 इंचेस की। चलिए अब इसे शेप दे देते हैं। तो देखिए ये हमारा नेक बन गया है। तो चलिए सारी मार्किंग हो गई है, अब इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करके अंदर से एक पार्ट को निकाल लेंगे। जो पार्ट हम निकाल रहे हैं वो हमारे बैक का है, इसे हम वापस से अरेंज करेंगे, क्योंकि अब हम इसमें आर्म होल कट करने वाले हैं और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है, तो ये हमारी इसके साथ ही फ्रंट की कटिंग हो गई है। तो ये देखिए ये हमारे दोनों पार्ट्स टॉप के कट हो गए हैं। अब देखिए बॉटम का पार्ट कट करना है हमें। तो ये देखिए मैंने सिर्फ कपड़े को 2 फोल्ड किया हुआ है। अब मैं इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करूंगी ताकि मैं अम्ब्रेला कट दे सकूं इसे। तो देखिए इस तरीके से मैं एक कोने से इसको लेके इस तरीके से ट्रायंगल शेप दूंगी। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही फोल्ड करना है इसे। तो देखिए मैंने ट्रायंगल फोल्ड कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, ये पीस जो मैंने ऑलरेडी कट किया हुआ है उसे मैं इस कोने पे इस तरीके से रखूंगी। अच्छे से इसको मिला लीजिए, देखिए इस तरीके से। देखिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे निशान कर दिया मैंने। अब यहाँ से मैं ले रही हूँ 35 इंचेस, तो 35 इंच पे मार्क करूंगी इस तरीके से। ये मेरा 35 इंच है पूरी लेंथ का। अब मैं यहाँ से शेप देना शुरू करूँगी। शेप को ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ से लेके पूरा राउंड शेप दूंगी मैं मेरी 35 की लेंथ तक। तो ये मैंने 35 पे मार्क कर दी और राउंड शेप भी दे दिया। और देखिए ये वाली जो लेंथ है वो तो मैं पूरी ले रही हूँ, इसलिए मैंने राउंड यहाँ से देना शुरू किया और ये पूरा शेप दे दिया। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब मैं इसे आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का हमने शेप दिया है नीचे अम्ब्रेला का, और इस तरीके से हमारी कुर्ती बनने वाली है। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो ये मेरा टॉप का पार्ट है, राइट साइड है। मैंने एक स्ट्रिप कट की है राउंड शेप की बचे हुए कपड़े से, उसे मैं इस तरीके से नेक पे उल्टा रख दूंगी। अच्छे से अरेंज कर लीजिए इस तरीके से और पूरे नेक में सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी तैयार कर लीजिए।
तो देखिए सिलाई लगाती है, अब हम कट लगाएंगे इसमें। तो इस तरीके से हल्के हल्के नॉचेस लगा दीजिए पूरे नेक में। तो देखिए हमने कट लगा दिया है, अब हम देखिए इसे ध्यान से कैसे फोल्ड करना है। तो रॉन्ग साइड पर इस तरीके से आप डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए। इस तरीके से देखिए आपको आगे का नेक पूरा बन जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से आपको दूसरा जो नेक है वो भी बना देना है। तो देखिए हमारा नेक बन गया है, अब हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो देखिए हमारा राइट पार्ट है, इसके ऊपर जो दूसरा पार्ट हमने बनाया है वो रॉन्ग रखेंगे इस तरीके से। और अब हम शोल्डर से शोल्डर मैच करेंगे अच्छे से और सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी शोल्डर मैच करके सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए शोल्डर फिटिंग हो गई। अब बारी आती है आर्म होल बनाने की। तो ये हमने क्रॉस में एक स्ट्रिप कट की है बचे हुए कपड़े से। इसे अब हम क्या करेंगे, ये हमारा राइट साइड है कुर्ती का, उसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हमने नेक बनाया। इस तरीके से पूरे में हम सिलाई लगा देंगे और इसी तरीके से आप दूसरा पार्ट भी तैयार कर लीजिए। देखिए ये बना दिया है मैंने आर्म होल। अब देखिए हम टॉप का और बॉटम का पार्ट ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए देखिए टॉप का पार्ट मैंने राइट रखा हुआ है, उसके ऊपर हमने जो बॉटम का पार्ट कट किया था मैं उसे रखूँगी। तो देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से अरेंज करके बॉटम का पार्ट रखना है। देखिए अब हम इसके ऊपर इसको इस तरीके से रख देंगे और इस पूरे में सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से बैक का पार्ट भी ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए ऊपर का और नीचे का पार्ट ज्वाइन करने के बाद अब बारी आती है फिटिंग करने की। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 19 इंचेस। आपका जितना भी चेस्ट का पार्ट हो उसका हाफ कर दीजिए प्लस 1 इंच लूजिंग के लिए। अगर आप फिट पसंद करते हैं तो आपका जितना भी चेस्ट का पार्ट हो बस हाफ करके ले लीजिए। ये हो गया 19 इंचेस पे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 16 इंचेस। कमर का भी बिल्कुल आपको वैसे ही लेना है। इस तरीके से 16 इंच पे मार्क कर दीजिए। बस हमें इतनी ही फिटिंग करनी है। अब दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान रखिए फिटिंग करते वक्त दोनों पार्ट्स को, फ्रंट और बैक को अच्छे से अरेंज करें। अब यहाँ से देखिए क्रॉस में हम इस तरीके से पूरी लेंथ तक सिलाई लगा देंगे। उसी तरीके यहाँ पर भी इस तरीके से क्रॉस में जाके फिर बस पूरी लेंथ में सिलाई लगा दीजिए। इस तरीके से आपकी फिटिंग हो जाएगी। ये देखिए हमने फिटिंग भी कर दी है। अब बस हमें नीचे की बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो देखिए उसके लिए बस आपको इस रॉन्ग साइड पे इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और पूरे में बस सिलाई लगा दीजिए। इस तरीके से पूरे राउंड में आप डबल फोल्ड कर दीजिए बैक साइड पर। तो देखिए बॉर्डर भी फोल्ड हो गई है और तैयार है हमारी अम्ब्रेला कुर्ती। बहुत ईजी है इसे बनाना, इसे ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और एंकरेजमेंट मिले और हम और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए।